नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक अच्छी खबर शेयर करनी है। यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के बारे में और नए मेडिकल कॉलेज के बारे में, वह मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ऐसा कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल रहेगा, यह उनका प्लान है। उसके साथ 1.5 लाख वेलनेस सेंटर भी वह लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं रूरल एरिया के वेलफेयर के लिए। तो यह इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ इसलिए शेयर करना था क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में उनको एक नया मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट करना है। तो इसका यह मतलब होगा कि इस साल से काफ़ी सारे नए मेडिकल कॉलेज होंगे, काफ़ी सारे MBBS की सीट इंक्रीज होगी और ये आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर होगी। तो ये जो है 2018 का इंटरव्यू है, इसका यह मतलब हुआ कि इस साल से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। और इस साल से ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन उन्होंने एक टारगेट सेट किया है। तो इस साल जो है काफ़ी सारे नए मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और जैसे ही मुझे ऐसा और न्यूज़ मिलेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। धन्यवाद।